तो हेलो गाइस, आपको पता होगा हमने पिछले एपिसोड के अंदर बालाजी टेम्पल बनाया था। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं, बहुत सारे मतलब दो ही चीज़ें करने वाले हैं, तो जल्दी से काम पे लग जाते हैं। हाँ, और एक चीज़ देखो, गोल्डन कैरेट, नो मटन मच्छी। गाइस, पिछले वीडियो में आपको मैंने एक चीज़ पूछी थी, कौन सा आर्मी बनाऊँ, तो उसमें से जीता है कौन सा भी नहीं। दो बंदों ने कमेंट किया था, वो भी मेरे अच्छे दोस्त थे, दो बंदों मतलब TS तमिड और VIP सामुराई, इन दोनों ने कमेंट किया था। देखो, दोनों का अलग अलग कमेंट। तो हम बनाने वाले हैं बॉस आर्मर, क्योंकि मेरे को 50 सब्सक्राइबर देने वाले हैं ये भाई, द बॉस, द एम के बॉस, हमको 50 सब्सक्राइबर देने वाले हैं। तो चलो दोनों आर्मर बनाते हैं। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा साल हो गए होंगे हमको नेदर के अंदर जाके, तो आज घूम के आ लेते हैं नेदर, क्योंकि हमको एक सामान चाहिए। तो जल्दी से मैं, वैसे मेरे को पता है बैशन ना को बैशन वैसे मेरे को पता है बैशन कहाँ पर है, तो जल्दी से वापस चलता हूँ। ये बैशन ज़्यादा दूर नहीं था, मेरे पास में था, इसलिए जल्दी मिल गया हमको। पर ये बैशन के अंदर क्या है ना, खतरा ज़्यादा होता है, इधर मरने का चांस ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने अपनी चेस्ट प्लेट पहन ली है वो इराइडर उतार के। तो जल्दी से ऐसे हम चलते हैं आगे। नुबड़े साले, अरे कोपचे में, वाइस भाई साहब, कोपचे में मत डर ऐसे भाई, मरो सालो, आओ सालो। वैसे पहली चेस है, और इस चेस के अंदर देखते हैं क्या हमको मिलेगा, क्या हमको मिलेगा नहीं। पर एंशियंट डेब्री मिला, वो अच्छा है, मेरे को एंशियंट डेब्री चाहिए भी था वैसे तो। अगर डबल चेस मिली इसके अंदर देखते हैं। अरे यार, एंशियंट क्या थे, ये स्लैब है इसका मिला, बाकी कुछ अच्छा नहीं इसके अंदर। छी, मर जा साले। ओह यार देखो, आज सामने दो दो चेस है, मतलब ट्रिपल चेस, ट्रिपल चेस क्या होगा। ओह मिल गया फाइनली, देखो यही चाहिए था। वैसे इजी होता है हर बैशन के अंदर, एक तो ये मिलता है, मुझे ऑब्वियसली लगा था मिलेगा। तो जल्दी से बाकी के सामान लेके चलते फिर ऐसा। अभी गाइस हम आए हैं अब माइनिंग के लिए, तो हमें अभी ज़रूरत है डायमंड्स की, डायमंड्स, तो डायमंड्स माइन कर लेते जल्दी जल्दी। तो गाइस देखो, हमको डायमंड मिल चुके हैं। हाँ, वैसे मैंने नाइट विजन के पोशन बनाए थे बहुत सारे, तो इसमें से एक मैंने पी लिया है, क्योंकि इसके अंदर हमको क्या बोलते हैं, केव के अंदर हमको बहुत ज़्यादा अच्छे से दिखेगा ना। तो जल्दी से हम लोग बाकी सारे डायमंड तोड़ लेते हैं। कितने होंगे, कितने होंगे बताओ, कितने होंगे। वाह, इस फॉर्चून तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, फॉर्चून भाई, फॉर्चून बैडेस होता है, इतना ज़्यादा बैडेस ना। 16 चुम्मा स्केलेटन डल्ले। ओ गाइस, गाइस आपको दिख रहे हैं, दिख रहे हैं कुछ तो दिख रहे हैं, स्केलेटन डल्ले। पहले गाय बजा दूँ, कितना, एक बस एक ना हो बस, नहीं है, है, है आपने डायमंड से, डायमंड से। तो चलो 16 थे, आप कितने होंगे बताओ, बताओ जल्दी, कमेंट करो, कमेंट करो, 16 थे कितने होंगे देखते हैं। 21 बार तो चलो गाइस आप चलते घर, क्योंकि हमारा काम हो चुका है, डायमंड्स इनफ हो चुके हैं। मेन चीज जिसे बनाना है, बस नहीं लगता और बनना पड़ेगा, नहीं बस बस इसे अभी ना संगवा के पहले रख देते हैं, रुको इसका एक एक संगवा के रख देते हैं। बस गाइस हमने अपग्रेड वाले भी 5 बना दिए हैं, जिसमें से एक संगवा के रख देते हैं। अब गाइस सबको अपने डायमंड के आर्मर के ऊपर डल से चढ़ा देते हैं और गोल्ड का बना देते हैं सबको। कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है यार, ओ भाई साहब, डायमंड के आर्मर पर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये, नेदरराइट के आर्मर से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। दाते भाई ओ गाइस, केदारनाथ मंदिर ना मैं फुल स्टोन ब्रिक से बनाऊंगा, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टोन हैं, हमने जल्दी से इन स्टोन को तोड़ लेते हैं। चलो सारे टूल्स की हेल्पफुल हो गई, वैसे हम ना पत्थर इकट्ठा हो चुके हैं, अब चलते हैं बनाने के लिए। गाइस हम लोग ना बालाजी टेम्पल के सामने ऐसे इधर इस साइड पे बनाएंगे, तो जल्दी से इस जगह को पूरा प्लेन कर लेता हूँ मैं। एरिया प्लेन तो हो चुका है, जल्दी से मैं ना उसका जो प्ले क्या बोलते हैं उससे बाउंड्री, बाउंड्री बना लेता हूँ। गाइस तो कुछ ऐसे बनने वाला है, देखो कुछ इतना बड़ा, इतना बड़ा का बड़ा कुछ बनेगा अपना केदारनाथ का मंदिर। मुझे पता है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, पर यार समझ लो यार, थोड़ा सा वीडियो जल्दी बनानी होती है ना मेरे को। मुझे लगता है, मुझे तो सब भरोसा नहीं मेरे ऊपर कि मैं अच्छा बना पाऊँगा। अरे देखा, नुबड़ा हूँ मैं थोड़ा सा। यहाँ से देखो, ऐसे हम लोग सनसेट भी देख सकते हैं, सनसेट देख सकते हैं हम लोग ऐसे, और सनराइज़ भी देख सकते हैं। तो जल्दी से यहाँ पे सो लेता हूँ। नहीं,
मेरे पास एक आइडिया है, वो रुको मैं एक स्लैब लाता हूँ, एक टाइप की स्लैब जल्दी से। आपको पता होगा तो मैंने ओशो मॉन्यूमेंट को पूरा बदला था, तो मेरे पास ये बहुत सारे स्लैब आए हैं, इससे हम लोग जल्दी से इससे इसकी रूप बना लेते हैं, मतलब छपरा होता है जो, तो जल्दी से बना लेते हैं। तो गाइस वैसे मैंने रूफ भी बना लिए, अब बस यहाँ पर ना मैंने देखो तो रूफ के भी लॉग लाए हैं, मतलब क्या बोलते हैं स्लैब, तो इसको ना जल्दी से हम लोग अभी इधर लगा देते हैं और फिर सब कुछ कर लेता हूँ जल्दी से मैं। बिल्ड बहुत ज़्यादा सिंपल लग रही थी तो इसलिए तो मैंने देखो ये अब यही करना पड़ेगा, देखते कैसे बनने वाला हूँ मैं। मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा अजीब कर दूंगा, फिर भी देखते हैं मेरी आइडिया कैसे काम आती है। गाइस मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसे कभी बना पाया था, पर यार बताओ आपको आपको कैसा लग रहा है बताओ। देखो गाइस अंदर से भी कुछ ऐसा मैंने नॉर्मल अंदर से नॉर्मल है, फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मेरी बिल्ड पहली बार मेरे को अब अच्छी लगने लगी है, ऐसा नहीं कि भगवान की चीज़ें बना रहा इसलिए मेरे को अच्छी लगी, नहीं सही में अभी अच्छी लगी। तो आपको अभी रात हो रही तो अच्छे से दिखाऊंगा उनको, ऊपर से बहुत ज़्यादा चमकीला मंदिर दिखेगा अपना। ओ भाई साहब केदारनाथ का मंदिर अभी लग रहा है, केदारनाथ का मंदिर मेरे को पहले नहीं लग रहा था केदारनाथ का मंदिर बनाया मैंने। अबे ज़मीन के ऊपर ही हूँ मैं, नहीं नहीं वापस दिखाऊंगा मैं, उड़ के वापस दिखाऊंगा। ओ भाई साहब यार मेरे बिल्ड सब अच्छे होते जा रहे हैं, भगवान की बिल्ड बोले तो मैंने अच्छे बनाते हैं सारे सब। तो अब कुछ जल्दी से अब सो के एक चीज़ सुबह करनी है, ब्लैक स्टोन से जल्दी से हम लोग स्लैब व्लैब सब कुछ बना लेते हैं। चलो घंटा बजाओ, चलो अंदर। देखा मैंने क्या किया, देखो बस तो आप लोग बस देखते रहो बस। ये मैं एक माइनक्राफ्ट का बिल्ड हैक्स देता था इसलिए मेरे को पता है क्या क्या कैसे करना है। देखो एक चीज़ और आइडिया आई मेरे को, और एक आइडिया आई, जल्दी से चलते बाहर। देखो कर लिया मैंने, इसके अंदर से पान टपकते मैंने देखा है, जो आपको दिखाता हूँ। जल्दी ब्लॉक लगा के ऊपर नहीं और रखते ऊपर रखना जाना पड़ेगा। देखो मैंने ड्रिप स्टोन लगाया, ड्रिप स्टोन से एक एक बूंद पानी टपकता है। देखो अभी टपका देखा, ऐसे ही भगवान के सिक्के ऊपर पानी टपकता रहता ना हमेशा। देखो क्या मेरे दिमाग बिग ब्रेन। तो गैर मैंने अपने 100% दी इस मंदिर को बनाने के लिए। वैसे रुको अपनी चप्पल पहनने तो अधूरा अधूरा सा लगता है मेरे को, चप्पल नहीं पहनी तो। हाँ तो मैंने इस मंदिर को बनाने के लिए अपने 100% दिए, फिर भी इतना अच्छा नहीं बना पाया, पर नहीं अच्छा लग रहा है मेरे को तो अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट में बताना। तो वैसे आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए राइट लेफ्ट वीडियो देख लो, बाय बाय।